आम तौर पर आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जीव जंतुओं को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी नेताओं के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सूखा ग्रस्त इलाकों में पीने के पानी को बचाने के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में करीब 10,000 जंगली ऊंटों को मारने का आदेश दिया है। ये काम फिलहाल शुरू हो चुका है, जिसमें पेशेवर निशानेबाज हेलीकॉप्टर से ऊंटों का शिकार करेंगे। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदायों की शिकायत है कि जंगली ऊंट पानी की तलाश में उनके इलाके में आते हैं और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी शिकायत के बाद ऊंटों को मारने का फैसला किया गया। इसमें करीब 5 दिनों का समय भी लग सकता है। चिंता का विषय ये है कि पशु ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वे एक वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जंगली ऊंट प्रबंधन योजना का दावा है कि अगर ऊंटों को लेकर कोई रोकथाम योजना नहीं लाई गई, तो यहाँ जंगली ऊंटों की आबादी हर 9 साल में दुगनी हो जाएगी। कार्बन फॉर्मिंग विशेषज्ञों का कहना भी ये है कि ऐसे में उन्हें मारना जरूरी है। वह सड़क पर चलने वाली अतिरिक्त 4 लाख कारों के बराबर है। और हालांकि ऊर्जा और पर्यावरण विभाग का कहना है कि जंगली जानवरों के उत्सर्जन को देश के उत्सर्जन अनुमान में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वे घरेलू प्रबंधन के तहत नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि हाल ही फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगी थी और इसी अग्निकांड में अब तक लाखों जीव जंतुओं की मौत हो चुकी है। कई दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ऐसे में यहाँ ऊंटों की बढ़ती आबादी भी चिंता का एक विषय बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।